नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों के लिए ज़ोरदार मेहनत कर रहे होंगे। तो भाई करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो भाई, जैसे कि आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, मिले जुले टॉपिक्स हैं। तो एक तो हमारा टॉपिक है जो SSC एक गेम खेल रहा है बच्चों के साथ कि हर एग्ज़ाम में अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। वो जो भी उसके 2-3 एग्ज़ाम आए हैं CGL में, GD में, वो अपना एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर रहा है। अब जब से GD का पैटर्न चेंज हुआ है, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं कि भैया पैटर्न चेंज कर दिया और 160 नंबर का हो गया, अब 160 नंबर में से स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, वो 100 वाला ही ईजी था, अब ये कैसे होगा। तो भाई यही चीज़ मैं आपको थोड़ी सी समझाने आया हूँ कि SSC पैटर्न मुश्किल नहीं कर रहा है बल्कि इजी कर रहा है, बस आपके समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, पहले GD में कितने क्वेश्चन आते थे? पहले जो GD में क्वेश्चन आते थे वो आते थे 100, ठीक है भाई, 25-25 आते थे सबके, 25-25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 GK के, 25-25 क्वेश्चन आते थे आपके, 100 क्वेश्चन आते थे, आपको डेढ़ घंटे का टाइम मिलता था। अब जो SSC ने पैटर्न कर दिया है, अब कर दिया SSC ने 80 कर दिए हैं क्वेश्चन, टाइम कर दिया है 1 घंटे का, ठीक है भाई। और आपके पहले था 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, अब SSC ने कर दिया है 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो समझना इसके पीछे का इनका गेम क्या है। बच्चे कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग 0.5 की कर दी है, पहले 0.25 की थी। तो भाई आप नेगेटिव मार्किंग का सबसे पहले तो रेशियो समझो कि पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन था और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है भाई, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग और एक क्वेश्चन का 1 नंबर। अगर आप रेशियो निकालो तो 1/4 का आता है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 नंबर आपके कटेंगे। और अब क्या हो गया है, अब आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई है। आप एक बार इसका रेशियो निकाल के देखो, दोनों को काटो, आपका अभी भी 1/4 का ही रेशियो आ रहा है भाई। अभी भी आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1/4 नंबर ही कट रहे हैं, पहले भी आपके 1/4 नंबर ही कट रहे थे। तो नेगेटिव मार्किंग SSC ने नहीं बढ़ाई है, बस वो देखने में लग रही है 0.25 से 0.50 हो गई है, बट जो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन थे वो 1 से बढ़ के 2 हो गए हैं, तो वो अपना इक्विवेलेंट आ गया है। और बात करते हैं कि क्वेश्चन 100 से 80 कर दिए, तो भाई ये हमारे लिए ही, हमारा ही फायदा है इसमें, क्योंकि अब हमें मैथ्स और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, और वो 5 क्वेश्चन हो सकता है आपको रीजनिंग के आपके माइंड में क्लिक कर रहे हैं नहीं करते, आपके मैथ्स के आप करते तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते, तो उसी का टाइम SSC ने कम करके एग्ज़ाम का टाइम हम भाई 1 घंटा कर दिया है। अगर आप जब न्यू पैटर्न का, आप जैसे मैंने मॉक लगाया था न्यू पैटर्न का SSC GD का, तो मेरे 5-10 मिनट बच गए थे। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके नहीं बचेंगे, बट अगर आप हाँ तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, अगर आपने, आपको 1-2 साल हो गया है तैयारी करते हुए, तो मेरा पक्का दावा है कि आपका शुरू के 10 से 15 मिनट में आपका मैथ्स, 15 मिनट तो मैंने ज़्यादा ही कह दिए, 10-12 मिनट में आपका इंग्लिश और GK आपका ख़त्म हो जाएगा। 12 मिनट में आप 40 क्वेश्चन कर लोगे, अगर वो आपके ठीक होते हैं तो आप 80 नंबर का पेपर कर लोगे 12 मिनट में। उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स का लेवल GD का इजी ही रहा था, लेवल नहीं बढ़ाएंगे वो लोग, बस पैटर्न चेंज किया है। जो लेवल आप अभी भी प्रीवियस ईयर मॉक लगा सकते हैं SSC GD के, क्योंकि जिस पैटर्न से वो क्वेश्चन आते थे, जिस लेवल के उनके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, वही लेवल के अब भी आपके क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन की संख्या 25 से घट के 20 हो गई है, और ये अच्छी ही बात है, क्योंकि आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और मैथ्स के 20 क्वेश्चन भाई पता भी नहीं चलते, कम में हो जाते हैं। अगर आपने कभी CPO की तैयारी की हो, आपने 50-50 क्वेश्चन लगाए हो, तो भाई 50 क्वेश्चन लगाने में माइंड एग्जॉस्ट हो जाता था, मतलब कि 50 क्वेश्चन लगातार आप 100 क्वेश्चन मेंटल रीजनिंग के लगा लेते हैं तो माइंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दिमाग लगा लगा के।
पर इसमें आपको टोटल 40 ही क्वेश्चन करने हैं बस, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के। उन 40 क्वेश्चनों में ही आपका दिमाग चलेगा। इंग्लिश और जीके में तो ऐसा है, अपना पढ़ा, आता है ठीक है, नहीं आता तो वो तो नहीं ही आता, उसका कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, रीजनिंग और मैथ्स के जो 20-20 क्वेश्चन है, 40 जो आपके क्वेश्चन है, उसमें एक ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगर हम दिमाग लगाएं तो क्या पता हो जाए, है ना भाई। तो अब आपके दिमाग लगाने वाले सिर्फ 40 ही क्वेश्चन है। और अगर मेरे हिसाब से अगर आपको जीडी में सिलेक्शन लेना है तो भाई, अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, कि आपको कम से कम 125-30 के अराउंड आपको स्कोर करना पड़ेगा। आगे जो 125-30 के अगर आप आसपास स्कोर करते हैं तो आपका बहुत चांस है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएं। और 125-30 क्वेश्चन आपको ठीक करने के लिए आपको 60 से 65 क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे 80 में से। और उस 60 से 65 में से आप अपने चाहे तो रीजनिंग और मैथ्स के 40 में से आप 35 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। अपनी आप जिस भी आप भाषा में कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश में, उसमें आप कम से कम 18-19 तो भाई लेके ही चलो, क्योंकि वो भाषा आपने खुद चुनी है। कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है और सिर्फ इंग्लिश होती तो वो ये बहाना मार सकता था कि भाई मेरी हिंदी थी, मेरी इंग्लिश थी, इसलिए मेरे को समझ नहीं आई। बट इसमें हिंदी भी है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में दे दें। बट कोशिश करें कि 18-19 नंबर लेके आएँ, क्योंकि जीके में स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। जीके में 10-12 स्कोर करने में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उतनी ही, उससे भी कम मेहनत में आप इन बाकी तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग के आपके 35 नंबर बताए हैं, मतलब 35 क्वेश्चन बताए हैं 40 में से, अगर आप चाहें तो उसमें भी 38-39 स्कोर आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जो लेवल आता है रीजनिंग और मैथ्स का, वो मतलब इजी टू इजी ही होता है, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हम उसे। एक दो क्वेश्चन आपके मॉडरेट को फंसा देगा, पर वो क्वेश्चन भी ऐसे होंगे कि अगर आप दिमाग लगाएंगे आधा एक मिनट तो उसके आपको टेक्निक पता चल जाएगी कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन बन रहा है। मैथ्स में मेनली अर्थमेटिक पर जोर डालो, जो और जो एडवांस में मेनली मेंजुरेशन वगैरह के बेसिक सिंपल वाले फॉर्मूले सिंपल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं आते। पर भाई किसी भी एग्ज़ाम को आपके एसएससी के क्रैक करने के लिए मेरा तो मानना ये है कि आपका एक सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हर चीज़ का आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करो। अब तो टाइम नहीं है जीडी का सिलेबस कंप्लीट करने का। और जिसको नौकरी चाहिए होती है वो भाई पहले से ही तैयारी कर रहा होता है चीज़ों की, वो फॉर्म का इंतज़ार नहीं करता। तो आप इस हिसाब से डरे नहीं, जो एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है जीडी का, डरे नहीं उससे। अपना उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलें और तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो भाई यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू भाई।